बुल बॉक्स में आपका स्वागत है। तो आज हम आपको जिस जगह लेके जा रहे हैं उस जगह का नाम है पिंगला माता, जो कि मनवाल से लगभग 8-10 किलोमीटर दूर है। तो अभी हम जहाँ खड़े हैं वो मनवाल से आगे लगभग 5-6 किलोमीटर पहुँच गए हैं। वहाँ का आप व्यू देख सकते हैं, वो नीचे हमें मनवाल दिखाई दे रहा है। हम पहाड़ी के ऊपर आ गए, रास्ते में आ गए हैं। तो जब हम ऊपर माता रानी के दरबार में जाएंगे तो आपको प्राकृतिक गुफा का नज़ारा दिखाएंगे, कैसे माता रानी जंगलों के बीच में रह रही है, कैसे गुफा के अंदर के दर्शन करवाएंगे। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, जब हम वहां पहुंचेंगे तो आपको गुफा के दर्शन करवाएंगे और भी प्राकृतिक नज़ारे दिखाएंगे। तो जय माता दी। ठीक है दोस्तों, जिस जगह पे अभी मैं खड़ा हूँ तो गाड़ी यहाँ तक ही आती है, जहाँ तक ही रोड बना है। आगे जहाँ पर हम जाएंगे वहाँ से हम पैदल ही जाएंगे। आगे बिल्कुल ही पैदल रोड है, जहाँ से माता का दरबार लगभग 1 किलोमीटर दूर है। वहाँ अभी कच्चा ही रास्ता है, पथरीला रास्ता है, वहाँ गाड़ी नहीं जाती है। यहाँ पे रोड खत्म हुआ, अभी हम आपको जो कच्चा रास्ता पैदल रास्ता जाता है जहाँ से माता रानी का दरबार 1 किलोमीटर दूर है वो रास्ता दिखा रहे हैं। यहाँ से माता का पैदल रास्ता शुरू होता है। दोस्तों फाइनली हम माता के दरबार पहुंच गए हैं। तो आप यहां पर प्राकृतिक नज़ारे देख सकते हैं। ये देखिए माता रानी का दरबार, सामने गुफा है। तो ये सामने मंदिर के साथ गुफा ही है, ऊपर से पानी बह रहा है, ये रास्ता है। जब हम गुफा के अंदर जाएंगे तो आपको दर्शन करवाएंगे। जय माता दी। तो भाई दोस्तों, हम माता रानी के दरबार के यानी गुफा के बाहर पहुंच गए हैं। यहाँ से माता रानी की गुफा का दिशा शुरू होती है, यहाँ से प्रवेश कर हम प्रवेश करेंगे। ये माता रानी की गुफा का द्वार है। यहाँ से आप नेचुरल ब्यूटी देख सकते हैं, ये देखिए नेचुरल ब्यूटी। तो यहाँ से हम गुफा में एंट्री करेंगे, ये है माता रानी की गुफा। यहाँ से हम एंट्री करेंगे, ये देखिए कुदरती नज़ारे। जो हम अंदर से दृश्य ले रहे हैं, देखो दर्शन करो भाई, तो पहले वैष्णो देवी माता रानी का दर्शन है, फिर गंगा माता रानी का दर्शन है, महासरस्वती, महालक्ष्मी, महाकाली माता रानी। और कुछ है ये माता सच्चे। तो दोस्तों ये है माता पिंगला का दरबार। यहाँ आपको पुजारी जी ने कौन कौन सी यहाँ माता विराजमान है। जय माता।
हम माता की गुफा के अंदर है। यहाँ के आप प्राकृतिक नज़ारे देख सकते हैं, नेचुरल ब्यूटी की। ये देखिए यहाँ पर पिंडी रूप में शिव शंकर विराजमान है, भोले शंकर के दर्शन किए। तो दोस्तों अभी हमने आपको माता रानी के गुफा के अंदर दर्शन करवाए, जो कि बिल्कुल प्राकृतिक के लिए हमारे विराजमान है। ये देखिए अभी हम यहाँ से बाहर जाएंगे, बाहर से ही हम आपको प्राकृतिक नज़ारे दिखाएंगे, बिल्कुल प्राकृतिक के रूप में बची है मेरी माता रानी। गुफा से बाहर आ गए, यहाँ से प्रवेश करते हैं। गुफा के अंदर प्रवेश करते हैं तो यहाँ से एंट्री करते हैं, यहाँ से एंट्री करके ऊपर जाते हैं, ऊपर से दूसरी तरफ से जहाँ बाहर आते हैं, तो यहाँ से एंट्री करके और यहाँ से बाहर आएंगे। तो अभी आपने माता रानी के रूप देखे, अलग अलग रूप देखे जो माता रानी गुफा में विराजमान है, आपने देख लिया, आपको दर्शन करवाए, प्राकृतिक सौंदर्य भी देखा, माता रानी कैसे पहाड़ों के बीच में गुफा के बीच में विराजमान है। अभी तो यहाँ अभी बरसात का मौसम चल रहा है, तो थोड़ी बारिश का मौसम भी है और थोड़ा ऐसे पहाड़ी इलाका है, लोग थोड़े कम आते हैं। जब यहाँ नवरात्रि के दिनों में लोग यहाँ दूर दूर से आते हैं, तो दोस्तों आप भी यहाँ पर आइए, माता रानी के दर्शन करिए, औरों को भी बताइए माता रानी के सब रूप के बारे में। तो दोस्तों आप माता रानी के गुफा के बाहर के नज़ारे देख सकते हैं। अभी थोड़ा बरसात का मौसम है तो पानी थोड़ा ज़्यादा है, नहीं तो इतना पानी नहीं होता है यहाँ पे। तो अभी हम दोस्तों घर की तरफ निकल रहे हैं, क्योंकि मौसम भी ख़राब है, बारिश का मौसम लग रहा है, छोटी छोटी बारिश हो रही है। तो अभी हम यहाँ से निकल जाएंगे, क्योंकि कोई पता नहीं कब मौसम ख़राब हो जाए। तो दोस्तों हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में बताइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, बने रहिए हमारे साथ नेक्स्ट वीडियो तक। तब तक के लिए जय माता दी।